एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला रात में, घर से जैसे निकला देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा, चराग जाने ना अपना रहा, अरे बोलू ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया, तो आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ, बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं, आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुँचाया, मस्जिद से घर तक पहुँचाया, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोला अरे बाबू, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद के तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। मुझसे पास ना, ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है, ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है, ए मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीज़ें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बी व तूबू इलैही का हमेशा विर्द किया करो, शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना शैताना लिल इंसान अदुउ मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा, अरे बोले बोले भाई। एक मरतबा एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, दीवार के साए में सो रहा था, एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, ती आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेकमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता, परेशान करता, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। अच्छा, इंशाल्लाह वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा बोशे जाओ खाने, तुम्हारे जो नाम ये दुआ करे देवो, बोस बोसे जाओ, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी, बैठ जाओ, जैसे दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपर चले जाओगे, बैठ जाओ, नहीं ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा। दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ थोड़े होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है, तो उठाया, ये दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रही ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? और कुर्बान जाओ मौजा सामी निकराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई?
अरे करेंगे ना, बोले इंशाल्लाह। तो मुझे ज्यादा नहीं इंशाल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए। यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कतो दुआ करबो बोलूं तो? अरे बोलूं ना, कतो दुआ करबो? 10 ही दुआ करबो। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूँ, आमी अपना जुड़ने 10 दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाशे, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, इंशाल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो माँ जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कालर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कालर को बेटा पकड़ा, बुझते पाचन ना, अरे बोलो ना, बुझते पाचन ना, ये कालर पकड़ा घसेट के लाया, बाप को घसेटा घर से, घसेट के ओसारा लाया, आंगन लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जाओ, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के घसेट कर लाया था, आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बस सलूकी की है, तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करे। जैसी करनी भाई, जैसी करनी तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं बेसी हम नहीं मांगेंगे, 5,000 रुपए देने वाला कोई है अल्लाह का शेर, ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह मेरा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 500 रुपए दी, भाई 5,000 रुपए वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, है कोई पहला अल्लाह का शेर, 5,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालदेन की इसालो सवाब की नीयत से, कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाअल्लाह जो देना चाहता हो, नकद है नकद दे दीजिए, नकद 12,000 ईटा खरीदा हुआ है, 8,000 ईंटे की जरूरत है। देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की जरूरत है। 12,000 दान दे चुके हैं, दान दे चुके हैं लोग, ताबुन कर चुके हैं 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसके वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार सखी लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम फ़ोनपे कर सकते हैं, सुविधा है पेटीएम का, सुविधा है गूगल पे का, सुविधा है, खाली आप तैयार हुई है, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, अरे आप तैयार हुई है तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह है कोई पहला ऐसा कोई नौजवान
5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব হ্যাঁ কই মুখিয়া সাহেব সরপঞ্চ সাহেব মেম্বার সাহেব ওয়ার্ড কমিশনার সাহেব কই প্রধান জি হ্যাঁ কই মাস্টার সাহেব কই ওয়াকিল সাহেব কই প্রফেসর সাহেব কই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কই এসা মা কা লাডলা বেটা কলেজে কা টুকড়া বেটা 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ প্রথম প্রথম জন জিনকা নাম পহলে ফেরিস্ত মে আজে দেখে পহলা নওজওয়ান আ গিয়া নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ কি নাম বাবু देखो ये मोहम्मद अली साहब ने पहली शुरुआत कर दिया इनके लिए माँ के ऊपर में एक शेर सुना दे अरे सुना दे बोलो ना अभी जिंदा है तेरी माँ अभी जिंदा है तेरी माँ अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना बना लो अपनी जन्नत बना लो ना अपनी जन्नत बना लो ना इल्मो हुनर खरीद ली शोहरत खरीद ली हर आफियत खरीद ली बरकत खरीद ली एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना माशाल्लाह इस नौजवान ने सखी ने 5000 रुपए ताउन किया है अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाया आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मामला में खेत में खलियान में कारोबार में तिजारत में बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसका जोड़ा लगा दो कोई इंशाल्लाह जोड़ा लगाने वाला 5000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई सखी है 5000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी मुझे 5 आदमी चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने पहले कहा था कि इसके बदले में आप धान भी दे सकते हैं पाट भी दे सकते हैं जींस भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पैसा दे सकते हैं वही हिम्मत के साथ हौसले के साथ जज्बे के साथ मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह अपने कदम को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ये 5000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई दूसरा कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह तैयार इस मजलिस के अंदर में कोई सखी है अमी दस्ते दुआ करूँ अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये पाए ये सौदा बड़ा सस्ता है कल को आपके पॉकेट में पैसा रहेगा बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा अलमारी में देखिए दूसरा नौजवान आ गया वाह 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 हाँ देखिए माशाल्लाह नारे तकबीर ए बेटा पाँच मन धान कैसे मन है दो कुंटल हो गया कैसे कुंटल है 1800 अठारह दुनी ए बेटा दूसरे नंबर पे तुम्हारी नाम आ जाए कितना रह गया 36 में कितना रह गया 5 में 14 आ हा तुम्हारे जो ने हमें 15 दुआ करबो सबके लिए 10 दुआ किया तुम्हारे लिए 15 दुआ करेंगे बेटा हे नारे तकबीर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान ने हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह हम तैयार हैं अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मामल में खेत में खलियान में या अल्लाह बरकत अता फरमा दुश्मनों की दुश्मनी से हासिदों के हसद से फरेबियों के फरेबी से झूठों के झूठ से इसकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा शेर पढ़ दें हैं पढ़ दें ये बच्चा लाया 100 रुपया शेर सुना दें शाहरुख न बनेगा हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा शाहरुख न बनेगा न तू शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा कुरान बनेगा ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा कुरान बनेगा माशाल्लाह दूजन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ
अल्लाह ने जमीन को तीन दिन में पैदा किया है, अल्लाह ने जमीन को तीन दिन में पैदा किया, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, चाहे ये 5,000 के बदले धान दे दो, चाहे कोई जिनिस दे दो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे 5,000 टका नकद दिए दो, चाहे 5,000 टका उधार बाकी लिखे दो, इंशाल्लाह कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, अरे कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई वकील साहब, ए देखिए आ गया मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन जब नारा लगाता है तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाते हैं, ऐसा नारा होना चाहिए, धक्का वाला नारा। हाँ सिराजुल बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 टका दिए छन अल्हम्दुलिल्लाह, धान 2 क्विंटल, धान 2 क्विंटल की कितना कीमत हो गया 3600। सिराजुल बाबू, सिराजुल बाबू थोड़ा हिम्मत बढ़ा दिए, 15 दुआ करेंगे। ए 3 क्विंटल धान, नारे तकबीर माशाल्लाह, 3 क्विंटल के धान का कितना हो गया 18 का 18 2 36 5400 रुपये माशाल्लाह। देखिए सिराजुल बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 से भी आगे निकल गए। अल्लाह अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमन में खेत में खलियान में बिजनेस में तिजारत में कारोबार में दुकान में मकान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसके दुश्मनों से हासिदों को हसद से फरबियों को फरेबी से शैतान के मकर फरेब से इनकी जिंदगी की हिफाजत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो, 3 जन हो गए लो, अल्लाह नबी 4 तैयार, अल्लाह नबी 4 तैयार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई सिराजुल बाबू की तरह कोई नौजवान है, कोई सखी है, 5,000 टका दीते पारें अपना जुन्ने आमी दस्ते दुआ करब अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है ए नौजवान खड़ा हुआ आ जा, कहाँ गया भाई? अच्छा बहुत तेजी के साथ गया हो कि वाह मौली साहब गियर में ले लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई है? हाँ, पंचायत समिति मस्तर खातून 20,000 टका। पंचायत समिति मस्तर खातून, नारे तकबीर, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए पंचायत समिति मस्तर खातून अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन है, 20,000 टका दिए छे उन्होंने, 20,000 20,000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। उनार जन्ना में 20 दुआ करो, भोजपुरी? अच्छा भोजपुरी सुनेंगे, अच्छा पैसा है जेब में? हाँ शेर पर दे रहा हूँ, अच्छा इंशाल्लाह शेर पर दे रहा हूँ। ये बच्चा पेटीएम ले रहा है, देखिए तो कितना बेटा, 5,000 5,000। देखिए 5वें नंबर में 5,000 आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। की नाम बाबू? नसीम अख्तर माशाल्लाह। देखिए ये 5वें नंबर पे, अच्छा माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, ये नसीम अख्तर ये हमारे हजरत के छोटे भाई हैं, इन्होंने 5वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये दान किया। सबसे पहले मैं उस बहन के लिए दुआ करूँ, जिन्होंने 20,000 रुपये मुश्तरा खातून ने ताउन की है, अल्लाह हमारी इस बहन के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में बाल बच्चों की उम्र में शोहर की उम्र में या अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालदेन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। अल्लाह उनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश व मगफिरत अता फरमा। अल्लाह उस बहन को अपने शोहर के साथ खाने काबा का हज नसीब अता फरमा। या अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते हैं दुश्मनों को दुश्मनों से हासिदों के हसद से फरेबियों के फरेबी से झूठों के झूठ से उस बहन की जिंदगी की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह साथ ही साथ उस बहन के अंदर में वो तकवा अता फरमा अल्लाह, क्यों जब तेरी बारगाह में हाथ उठा दे दुआ के लिए या अल्लाह उनकी दुआ को तो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। आमीन बोले दर। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे
मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, जरा आइए तो देखें, इंशाल्लाह अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से आइए तो दुआ आपके लिए भी वही 10 करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए भी वही दुआ 10 करेंगे। 1000 रुपया 500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में बैठे हुए हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो 1000 रुपया 500 रुपया इस मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहते हैं। समीर को, समीर भाई, अच्छा हाँ भाई, भाई जलसा सेक्रेटरी कमेटी के सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जलसा कमेटी सेक्रेटरी समीर बाबू कहाँ हैं भाई? समीर बाबू आ जाइए, हमसे थोड़ा मुसाफा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, जरा आइए तो जरा देखें कौन कौन नौजवान। ये देखिए पहला नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह, की नाम बाबू? माशाल्लाह, ए मरहूम महमूद के नाम से 500 रुपये नौजवान ने दिया है, अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशा, की नाम बेटा? अब्दुस, अब्दुस शकूर साहब, माशाल्लाह देखिए 500 रुपये, अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमाए। भाई आ जाओ भाई, 1500 रुपये देने वाले, जल्दी जल्दी करो भाई, 1500 रुपये देने वाले। ए देखिए नौजवान आए, भाई जल्दी करो, तरातरी करो भाई, 1500 रुपये देने वाले कितने लोग तैयार हैं? अब सोचने का मकाम क्या है मेरे भाई, 1500 रुपये ये तो मामूली सी रकम है, ये पूर्णिया जाइएगा 1000 रुपये यूँ खर्च हो जाएगा पता नहीं चलेगा, आज यहाँ दे दीजिएगा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाल्लाह 1500 रुपये देने वाले बड़ी, अच्छा हाँ अच्छा, इंशाल्लाह मैं सुना देता हूँ। अरे भाई आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अभी फरमाइश है शेर सुनाने की, मैं शेर सुना दूंगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह, नकीबे हिंदुस्तान के फरमाइश है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुना दूंगा। 1500 वाले आ जाओ, वाह, क्या नाम बेटा? जमील अख्तर, जनाब मोहम्मद जमील अख्तर साहब माशाल्लाह, 500 रुपये दिए अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। क्या नाम बेटा? सिराज, माशाल्लाह ये बच्चा नौजवान मोहम्मद सिराज ने 500 रुपये ताउन करे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। माशाल्लाह भाई ने, हाँ माशाल्लाह, नारे तकबीर। भाई मोहम्मद अजहर बाबू अपने वालदेन की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उन्होंने ताउन किया मोहम्मद अजहर साहब ने, अल्लाह मोहम्मद अजहर साहब की इस दान को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। माशाल्लाह मोहम्मद सबूर साहब 500 रुपये नकद, 1 कुंटल धान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई धान, धान भी देना चाहते हैं धान भी लिखा दे मेरे भाई, ईंट देना चाहते ईंट दे दे, लोहा छड़ देना चाहते छड़ दे दे, सीमेंट देना चाहते हैं सीमेंट दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो देना चाहते हैं मदरसे के अंदर में ताउन कर दे। अब भाई एक गुजारिश करेंगे आपसे, जो बन पड़े भाई 100, 50, 10, 20 आपसे जो बन पड़े, अगर पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। पहले भी अगर आप दे चुके हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप फिर देना चाहते हैं कि नहीं हम भी कुछ देंगे तो 100, 50, 200, 300, 400, 500 रुपये। देखिए ये पैसा अगर आप यहाँ नहीं दीजिएगा कल चौक चौराहे में हाट बाजार में खर्च हो जाएगा, आज यहाँ दे दीजिएगा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ए कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए भाई, भाई कुछ बच्चे उठ जाओ भाई, चादर रुमाल पकड़ लो भाई, कुछ बच्चे ए बाबू ए घूमे जाओ भाई, ए बाबू मदरसे के बच्चे जाइए तो जाओ यहीं से उतरो, वही मदरसे के बच्चे जा रहे हैं आपके पास में चादर रुमाल लेकर, जहाँ तक हो सके दिल खोल कर आप मदरसे के अंदर में ताउन करें अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने,
माशाल्लाह नसीहा खातून हमारी एक बहन ने 500 रुपये ताउन करी, अल्लाह उनके दान को कबूल अता फरमाए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। एक बच्चे ने 200 रुपये ताउन करी है, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताबुल करी, देखिए वो बच्चे चादर रुमाल लेकर जा रहे हैं आपके पास में, भाई जो हो सके हर आदमी इसमें हिस्सा ले लो। पहुँच चुके हैं, आप तमाम सामाईन से गुजारिश है कि आप उनका खिताब जरूर सुने, यकीनन बहुत ही जामे और बेहतरीन अंदाज से खिताब करते हैं, आप उनका बयान सुन के जाए। मोहम्मद हाशिम साहब माशाल्लाह, मोहम्मद हाशिम बाबू अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये, अल्लाह अच्छा अच्छा मोहम्मद हाशिम बाबू खान, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने वालदेन की सालो सवाब के लिए से 10,000 रुपये ताबुल करे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। इन्हीं चंद सुलेमान अंसारी, हाँ माशाल्लाह सुलेमान अंसारी साहब माँ बाप के नाम पर 200 रुपये ताबुन करे हैं, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। देखिए अभी आप लोग जाने का फैजाना बनाइए, दिल जमी के साथ बैठे रहिए, मेरे बाद भी बड़े बड़े जैयद आलिम दीन तशरीफ फरमा है जिनकी तकरीर को आपको सुननी है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वो माखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।